हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो राजस्थान जीके की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संत दादू जी के बारे में। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, फुल डिटेल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? संत दादू जी के बारे में, राजस्थान के सबसे प्रमुख संत। ठीक है, संत दादू जी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट जरा, आज हम लोग पढ़ेंगे संत दादू जी के बारे में। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि संत दादू जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, 1500 कब हुआ था पहले? 1544 से 1603 इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, 1544 से 1603। पहली चीज़ इन्फॉर्मेशन तो ये है कि इनका जो इनकी जो टाइम पीरियड है वो है 1544 से लेकर 1603 तक। ठीक है, अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था, अहमदाबाद जी जे गुजरात में। ठीक है, लेकिन इनकी जो कार्यस्थली रही थी और जो कर्मभूमि रही थी वो रही थी राजस्थान। तो संत दादू जी की जो कार्यस्थली रही थी या फिर जो जन्मभूमि कर्मभूमि रही थी राजस्थान। ठीक है, हाँ तो ये रही थी राजस्थान। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ये जाति से कौन थे? ये जाति से थे गुनिया। और इन नदी में बहते हुए मिले थे एक ब्राह्मण को। ब्राह्मण का नाम क्या था? श्री लोदी राम जी। ठीक है, ब्राह्मण का नाम था श्री लोदी राम जी। तो ये एक ब्राह्मण को मिले थे बहते हुए नदी में, और उस ब्राह्मण ने इनका लालन पालन किया था। ब्राह्मण का नाम था श्री लोदीराम जी। उसके बाद इनके गुरु कौन थे? तो इसके गुरु, इनके जो गुरु थे उनके बारे में ये है कि सबसे पहले थे कबीर। ठीक है, कबीर का नाम सबने सुना, कबीर दास। कबीर दास के एक शिष्य थे जिनका नाम था वृद्धानंद जी, वृद्धानंद जी, या फिर इन्हें बुढ़न बाबा भी कहते थे, बुढ़न बाबा। ठीक है, बुढ़न बाबा या फिर वृद्धानंद जी के एक शिष्य हुए थे जिनका नाम था दादू जी, यही जिनके बारे में लोग पढ़ रहे हैं, दादू दयाल जी। ठीक है, तो बेसिकली इनके जो गुरु थे ये थे वृद्धानंद जी, और वृद्धानंद जी खुद किसके शिष्य थे? कबीर दास जी के शिष्य थे। ओके, हालांकि इन्होंने अपने गुरु जी का जो नाम है वो कहीं लिखा नहीं किसी भी अपने रचना में, फिर भी आगे चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले अच्छा ये हम लोग को पता है कि इनकी जन्मभूमि, जन जो कर्म क्षेत्र था वो था सांभर। ठीक है, सांभर का इलाका जयपुर में। लेकिन सांभर आने से पहले 6 वर्षों तक, सांभर आने से पहले 6 वर्षों तक ये भ्रमण करते रहते। कहाँ कहाँ का? काशी का। ठीक है, बिहार का और बंगाल का। तो सांभर आने से 6 साल पहले तक, ठीक है, ये भ्रमण कर रहे थे अलग अलग जगहों का। जैसे उस समय के सारे संत जो हैं वो भ्रमण करते थे, तो ये भ्रमण कर रहे थे काशी का इन्होंने किया, बंगाल का इन्होंने किया, और बिहार का इन्होंने किया। उसी दौरान भ्रमण करते हुए इनकी इनकी जो भेंट हुई थी वो हुई थी नाथपंथी साधुओं के साथ। ठीक है, नाथपंथी साधुओं के साथ इनकी भेंट हुई थी जहाँ पर इन्होंने योग साधना को सीखा था। उसके बाद जब ये लगभग 30 वर्षीय हो चुके थे, तो 1544 में होता है इनका जन्म। 1544 में 30 जोड़ेंगे तो 1574 के आसपास, ये जब तक 30 वर्ष हो चुके थे तब तक ये पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर चुके थे। जब ये 30 वर्ष के हो चुके थे तब तक ये पूरे देश का भ्रमण कर चुके थे, और फिर ये सांभर में आके बसे थे। ठीक है, सांभर में आके इन्होंने उपदेश देने शुरू किए थे, और उपदेश देने के बाद के साथ ही लोग इनके सत्संग करने जाते थे इनके यहाँ पर, और इनके स्थान को लोगों ने अलख तरीबा कहना शुरू कर दिया था। ठीक है, लोगों ने इनके जो स्थल था जहाँ पे ये सत्संग करते थे उसका नाम शुरू रख दिया था अलख तरीबा, अलख तरीबा। ठीक है, लेकिन दादू जी जो थे ये अपने इस स्थान को क्या कहा करते थे? दादू जी कहा करते थे इस स्थान को चौगान। तो लोग कहते थे अलख तरीबा, जहाँ दादू जी अपने प्रवचन और सत्संग करते थे, लेकिन लोग जो दादू जी है वो इस स्थान को चौगान कहते थे। अच्छा, दादू जी जो हैं ये निर्गुण भक्ति भाव के थे, यानी निर्गुण भक्ति के एक संत थे,
और इन्होंने एक संप्रदाय शुरू किया था जिस जो था ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय ही आगे चल के पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाने लगा, जिसे आज हम लोग दादू पंथ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो था इन्हीं का बनाया हुआ था वो था ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय से वो बना पर ब्रह्म संप्रदाय, और यही बाद में अब कहलाता है दादू पंथ। ठीक है, तो ब्रह्म संप्रदाय फिर पर ब्रह्म संप्रदाय कहलाने लगा, फिर ये दादू पंथ कहलाने लगा। अच्छा, उसके बाद जब ये 32 वर्ष के हो गए थे, लगभग 32-33 वर्ष के, तो इनके दो पुत्र हुए थे। दो पुत्र थे और इनकी थी दो पुत्रियां। तो इनके थे दो पुत्र और इनकी थी दो पुत्रियां। पुत्र जो थे इनका, एक का नाम था मिस्किन दास जी थे एक थे, दूसरे जो थे वो थे गरीब दास जी। इसी तरह जो इनकी दो पुत्रियां थी उनमें से एक थी माताबाई। ठीक है, तो इनके पहले जो पुत्र थे वो थे मिस्किन दास जी, दूसरे जो इनके पुत्र थे वो थे गरीब दास जी। पहले पुत्री थी माताबाई, दूसरी पुत्री थी नानोबाई। इस प्रकार इनके चार संतानें थीं, जिसमें दो पुत्र थे और दो पुत्रियां थी। ठीक है, मिस्किन दास जी, गरीब दास जी, दो पुत्र थे और इनके जो पुत्री का जो नाम था वो था माताबाई और नानोबाई। तो लगभग 32-33 वर्ष की उम्र में इनके ये संतानें थीं। उसके बाद इनके तो इनके अच्छा, अब जो इनके दो पुत्र थे मिस्किन दास जी और गरीब दास जी, इनके शिष्य बन गए थे। इनके अलावा इनके और भी शिष्य थे अपने पुत्रों के अलावा, जो इनके नाम क्या क्या थे। एक का नाम था बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, संत दास जी। ठीक है, कौन कौन से थे? बखना जी थे, रज्जब जी थे, सुंदरदास जी थे, संत दास जी थे। उसके अलावा जगन्नाथ जी, माधोदास जी और बलिंद जी। जगन्नाथ जी, माधो दास जी और बलिंद नाथ जी, ये जो थे इनके प्रमुख। वैसे तो इनके टोटल शिष्य थे 52 शिष्य। 52 शिष्यों के कारण उन्हें 52 स्तंभ कहते थे, लेकिन ये कुछ प्रमुख शिष्य थे जिनके नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनके जो उपदेश थे, दादू जी के जो उपदेश हैं, वो दो ग्रंथों में संग्रहित हैं। तो एक उनमें जो उपदेश हैं इनके, उनकी दो रचनाएं हैं, जो रचनाएं हैं क्या एक नाम से कहलाती हैं, दादू जी रिवाणी या दादू जी रा दुहा। इनमें इनके जो है प्रमुख उपदेश हैं। इनकी रचनाओं को संग्रहित किसने किया था? पंडित सुधाकर द्विवेदी ने द्विवेदी जी ने इनकी जो रचनाएं थी उन्हें संग्रहित करने का काम किया था। जबकि इनकी रचनाओं को प्रकाशित किसने किया था? तो इनकी रचनाओं को प्रकाशित किया था, उस समय का पब्लिशिंग हाउस था काशी नागरी प्रचारिणी सभा। तो इनकी रचनाओं को संग्रहित किया था स्वर्गीय पंडित सुधाकर द्विवेदी जी ने, लेकिन इनकी रचनाओं को प्रकाशित किया था काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं ये दो उसमें रचित हैं, मतलब संग्रहित हैं। एक है दादू जी रिवाणी, दादू जी रा दुहा। उसके अलावा ये पद और सांख्या लिखते थे। इनके 26-23 पद सांख्या हैं, जबकि 445 पद हैं। इनके जो हैं 26-23 ये हैं सांख्या, और पद कितने हैं? 445। इनकी जो सांख्याएँ हैं 26-23 और इनके जो पद हैं वो हैं 445। ठीक है, इनकी भाषा
सदुकड़ी थी, ना तो वो भाषा मारवाड़ी थी ना ही वो गुजराती थी। इनकी जो भाषा थी वो हिंदी प्लस लोकल थोड़ा सा मिश्रित थी वहाँ की, तो सदुकड़ी भाषा थी। इस वजह से इनका आम लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन था बहुत अच्छा था, बहुत सरल था, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई थी वो नारायणा जयपुर में हुई थी ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को सन 1603 में, ठीक है, जब ये 59 वर्ष की आयु में थे। तो जब ये 59 वर्ष की आयु में थे इनकी मृत्यु हुई थी नारायणा में, ठीक है, नारायणा में हुई थी इनकी मृत्यु। नारायणा का पड़ता है तो नारायणा जो पड़ता है ये जयपुर में पड़ता है। उसके बाद नारायणा में ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है भैराड़ा की पहाड़ी, भैराड़ा भैराड़ा की पहाड़ी। जब फुलेरा जाते हैं तो रास्ते में पड़ती है भैराड़ा की पहाड़ी। भैराड़ा की पहाड़ी जो है, भैराड़ा की जो पहाड़ी है ये पड़ती है फुलेरा के रास्ते में, ठीक है, जब अजमेर से फुलेरा की तरफ जाते हैं जयपुर हाईवे से। तो भैराड़ा की पहाड़ी पे इन्होंने इनकी इनके लिए पालकी आई थी, जिस जो वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है दादू पालकी, दादू पालकी या फिर दादू खोल, दादू खोल। किंवदंती है कि इनको एक पालकी लेने के लिए आई थी जो गुफा में, जो भैराड़ा की पहाड़ी है उसमें गुफा है एक वहाँ पे जहाँ विलीन हो गई थी, और उस गुफा को ही कहते हैं दादू खोल या दादू पालकी। उसके बाद आगे है, इनके दो ग्रंथ भी हैं, एक है परिचय का अंग, दूसरा है काया बेली ग्रंथ, ठीक है, दो इनके ग्रंथ हैं। एक तो है परिचय का अंग, परिचय का अंग इनका एक ग्रंथ है, परिचय का अंग। दूसरा इनका जो ग्रंथ है वो है काया बेली ग्रंथ, काया बेली ग्रंथ, ठीक है, परिचय का अंग और काया बेली ग्रंथ, ये इनके दो ग्रंथ हैं दादू जी के, जो बहुत ही जिसमें उन्होंने वेदांत उपनिषद और सांख्य दर्शन का सार गर्भित वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद इनके दो शिष्य थे जिनके नाम थे जन गोपाल और जगजीवन, इनके दो शिष्य हुआ करते थे। वैसे तो इनके टोटल 52 शिष्य थे लेकिन दो शिष्य थे जिनके नाम थे जन गोपाल और जगजीवन, जगजीवन। इन्होंने क्या किया था, तो जन गोपाल और जगजीवन जो है इन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी जिसका नाम था जीवन पर्ची, मतलब दादू जी की जीवन के बारे में लिखा था और उस किताब का नाम था जीवन पर्ची, जन गोपाल जन जीवन ने, ठीक है, जग जीवन ने। इसी प्रकार से इनके जो दूसरे शिष्य थे संत दास और जगन्नाथ, उन्होंने इनकी बाणियों को हरडे बाणी का संपादन करा था। तो हरडे बाणी, हरडे बाणी ये भी इनकी बाणियों का संग्रहित है, और ये किसने किया था, संत दास जी ने और जगन्नाथ जी ने। तो दो शिष्य जो थे वो जन गोपाल और जगजीवन, उन्होंने तो इनके जीवन के ऊपर लिखा था जीवन परिचय पर्ची, जबकि जो दो शिष्य थे संत दास जी और जगन्नाथ जी, इन्होंने दादू जी की जो बाणियाँ थी उनको संग्रहित करा था हरडे बाणी में। उसके बाद एक और प्रमुख ग्रंथ है इस पंथ का जो है पंथ परीक्षा, एक और प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है पंथ परीक्षा, दादू जी के जिसमें इन्होंने एक दादू पंथी साधु के क्या क्या लक्षण होने चाहिए उसके बारे में डिटेल से इन्होंने लिखा है, कि मतलब जैसे इनके यहाँ पे जो जलाते नहीं हैं, मतलब आप तो जलाने लगे हैं लेकिन पहले वो जीवों के लिए छोड़ देते थे, ताकि हमारा मतलब ये मानना था कि जो शरीर है हमारा वो भी किसी के काम आए। तो उसमें उसके अलावा दादू पंथ जो होते हैं ये छः प्रकार का होता है, ठीक है। दादू पंथ कितने प्रकार का होता है, दादू पंथ जो होता है 6 प्रकार का होता है, दादू पंथ होता है 6 प्रकार का। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला पंथ होता है खालसा। तो अब याद होगा कि इनके एक शिष्य थे, इनके एक पुत्र थे गरीब दास जी जो इनके शिष्य भी बन गए थे। तो जो इनके जो मतलब साधु गरीब दास जी के फॉलोअर्स बने थे उन्होंने खालसा पंथ को माना था। दूसरा जो पंथ है वो है विरक्त। विरक्त में क्या होता है कि या तो ये अकेले या फिर मंडलियों में लोगों के घर जाते हैं और जा जाकर उनको उपदेश देना, ज्ञान देना, मतलब प्रचार प्रसार करते हैं, तो बेसिकली भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, ये दूसरा पंथ था। तीसरा जो पंथ है वो है उत्तरादे, तीसरा पंथ है उत्तरादे, उत्तरादे या फिर स्थावा स्थानधारी, उत्तरादे या फिर स्थान
धारी। तो ये जो पंथ है इसमें क्या होता है कि ऐसे साधु जो राजस्थान से उत्तर की दिशा में चले गए थे, उत्तर की दिशा में आता है हरियाणा पंजाब, तो जो राजस्थान से उत्तर की दिशा में चले गए थे उन्हें उत्तराधिक कहते थे। ऐसे ही एक शिष्य थे इनके दादू जी के, जिनका नाम था बनवारी दास। एक शिष्य थे इनके, बनवारी दास जी जो है ये हरियाणा के हिसार में चले गए थे, रतिया में, एक जगह है रतिया हिसार में, वहाँ चले गए थे ये। तो ऐसे साधु जो थे ये कहलाने लगे थे उत्तराधे पंथ को मानते हैं, जो राजस्थान छोड़ के चले गए थे, या फिर स्थानधारी को, ठीक है, या फिर स्थानधारी। इसके बाद अगला जो आता है वो है खाकी। खाकी में क्या होता था, शरीर पर भस्म लगाई जाती थी, और शरीर पर भस्म लगाते थे, जटा रखते थे, और खाकी के वस्त्र पहनते थे। उसके बाद अगला जो थे वो थे नागा साधु। नागा अगला जो था इसमें दादू पंथ में वो थे नागा। तो नागा साधु जो है इसमें क्या होता था, नग्न रहते थे। नागा साधु तो सबको पता ही है, बैरागी होते थे, और इसी से जो है, अच्छा ये नागा पंथ किसने बनाया था, इनके एक शिष्य थे सुंदरदास जी, उन्होंने, और इसी में जो नागा साधु थे उनको जयपुर राज्य ने अपने सेना में भी भर्ती किया था। इसी प्रकार से जोधपुर की सेना ने भी भर्ती किया था। उस समय जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह, ठीक है। और छठा जो है वो थे निहंग। छठे जो थे वो थे निहंग। निहंग जो हैं ये घुमंतू होते थे, मतलब ये अलग अलग स्थानों पर लगातार ट्रैवलिंग करते रहते थे, प्रचार प्रसार करते रहते थे ज्ञान और मतलब अलग अलग चीज़। तो ये जो है ये निहंग थे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि दादू पंथ में कितने जो हैं वो पार्ट हैं। एक तो है खालसा, दूसरा जो है विरक्त, तीसरा है उत्तरादेय, चौथा है खाकी, पांचवा है नागा, और छठा है निहंग। जो दादू जी के ऊपर बचा हुआ है उसको अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट जो दादू जी के ऊपर है उसको